हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मानव का शास्त्र। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। नाउ वी आर हियर विद द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सीरीज ऑन आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी। इफ़ यू हैवन सीन द फर्स्ट टू पार्ट, प्लीज विजिट फॉर देम टू। विल बी कवरिंग मैनी क्वेश्चन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल नॉट बी मिसिंग आवर फर्दर नोटिफिकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। नाउ लेट स्टार्ट आवर वीडियो। So our question number 121 says, Tardenoisian is characteristic by the presence of geometric microliths predominated by trapezes। मतलब कि Tardenoisian जो culture था उसके main characteristic जो थे वो geometric microliths थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा dominating quantities में जो मिलते थे वो trapezes थे। ठीक है, फिर next question है 122, Western Mesolithic is situated in Bhimbetka। वेस्टर्न मेसोलिथिक कल्चर जो था वो भीमबेटका में सिचुएटेड था, और भीमबेटका एक ग्रुप ऑफ केव्स है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट की है। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट मानी जाती है। यहाँ से स्टोन एज के एविडेंसेस मिले हैं एशुलियन टाइम से ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, व्हाट इज टेरी, अ मेसोलिथिक साइट इन तमिलनाडु। तो टेरी क्या है, एक मेसोलिथिक साइट है तमिलनाडु की। टेरी बेसिकली एक डेजर्ट है और ये इसके स्पेशल टाइप के सैंड ड्यून्स और रेड सैंड के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, भीमबेटका इज क्लस्टर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। सो भीमबेटका क्या है, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। ये क्लस्टर यानी ग्रुप ऑफ केव्स है और इसमें बहुत सारे रॉक शेल्टर्स हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 125 है, भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाय V.S. वकांकर। तो भीमबेटका को किसने डिस्कवर किया था, तो वो थे V.S. वकांकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, सेंट्रल मेसोलिथिक इज सिचुएटेड इन बागौर। सेंट्रल मेसोलिथिक कहाँ पर सिचुएटेड है, तो बागौर में सिचुएटेड है, और बागौर जो है वो राजस्थान का एक टाउन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 127 सेज, ईस्टर्न मेसोलिथिक इज सिचुएटेड इन बिरभानपुर। मतलब कि ईस्टर्न मेसोलिथिक जो है वो बिरभानपुर में है, और बिरभानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, सदर्न मेसोलिथिक इज सिचुएटेड इन भीमबेटका। फिर सदर्न मेसोलिथिक जो है वो भीमबेटका में सिचुएटेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मैग्लामोजियन टूल्स वर लार्जली मेड ऑन फ्लिंट वुड बोन्स एंड हॉर्न्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैग्लामोजियन कल्चर के जो टूल्स थे वो मेनली किसके बने हुए थे। तो फर्स्ट है फ्लिंट, फ्लिंट एक कटिंग टूल होता है ब्लेड्स की जैसे। फिर सेकंड है वुड, वुड यानी लकड़ी के होते हैं, तो वो बेसिकली बो या एरो का ही काम करते थे, और या फिर हैमर्स का जो हमारा पकड़ने वाला पार्ट होता है उसको बनाते थे। फिर थर्ड है बोन्स, तो बोन टूल्स जो थे वो मेनली हंटिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे। और फिर हॉर्न्स है, तो हॉर्न्स भी बेसिकली हंटिंग, किलिंग, डिगिंग, इन्हीं सब चीज़ों के लिए यूज़ होते थे एज ए टूल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 130, विच कल्चर फ्लरिश्ड साइड बाई साइड विद द मैग्लामोजियन कल्चर अराउंड द बेल्टिक एंड नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप, दैट इज किचन मिडल कल्चर। तो इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन है कि यूरोप के बेल्टिक और नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के अराउंड जब मैग्लामोजियन कल्चर ख़त्म हो रहा था, तो उस टाइम और कौन सा कल्चर फ्लरिश हो गया। इजी वर्ड्स में यह है कि यूरोप में जब मैग्लामोजियन कल्चर एक बार ख़त्म हो रहा था, तो उसके साथ साथ जो बेल्टिक और नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के अराउंड जो बाकी और कल्चर्स थे उनमें से कौन सा कल्चर ख़त्म हो गया। तो दूसरा कल्चर था ख़त्म होने वाला, किचन मिडल कल्चर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 131 है, इन स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज मिडन स्टैंड्स फॉर अ पाइल ऑफ गार्बेज। मतलब कि स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज में मिडन का मीनिंग क्या होता है, तो दैट मीन्स अ पाइल ऑफ गार्बेज यानी कि कचरे का ढेर। और स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज जो है वो मेनली नॉर्थ यूरोप में बोली जाती है।
फिर 132 है, चैम्पिजिनियन कल्चर वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम बेल्जियम। तो जो चैम्पिजिनियन कल्चर है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, तो वो बेल्जियम से हुई थी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 133, चैम्पिजिनियन कल्चर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ पिट ड्वेलिंग्स। अब क्वेश्चन है कि चैम्पिजिनियन कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी और मेन प्रैक्टिसेस क्या थी। ठीक है, तो वो थी पिट ड्वेलिंग्स, और पिट ड्वेलिंग्स एक प्रिमिटिव प्रैक्टिस है जिसमें लैंड में पिट्स यानी गड्ढे बनाए जाते थे और उनको रूफ रखते थे। ठीक है, जिसको हम पिट हाउस भी कह सकते हैं। ओके, फिर 134 है, अ लेट एंड मैच्योर मेगालिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ यूरोपियन इज एट बॉल। मतलब कि नॉर्थ यूरोप का मैच्योर यानी वेल एस्टेब्लिश्ड मेगालिथिक कल्चर क्या था, तो वो था एट बॉल कल्चर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 135, इन एट बॉल एडजेस आर मेड ऑन एंटलर्स। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो एट बॉल में जो एडजेस थे वो एंटलर्स से बनते थे। तो फिर एडजेस का मतलब क्या होता है, एडजेस जो है वो एक एक्स जैसे टूल होते हैं जिसके ब्लेड्स राइट एंगल पे बने होते हैं। ओके, और फिर उन टूल को भी मतलब हम एक्सेस जैसे यूज़ करते हैं, लेकिन ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी एट बॉल की, इसलिए उसको एडजेस नाम से ही हमने वो आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, फिर 136 है, द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सपोज्ड अराउंड, दैट इज 2300 BC। तो क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड था वो कब था, तो वो था 2300 BC के अराउंड। ओके, फिर 137 है, लांगंज इज सिचुएटेड इन गुजरात। तो लांगंज जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये गुजरात में सिचुएटेड है और एक ये मेसोलिथिक साइट है। ओके, फिर है 138, भीमबेटका थर्ड F23 कंटेन्स पॉट शेड्स। और ये पॉट शेड जो होते हैं ये ब्रोकन पीसेस होते हैं सिरेमिक मटेरियल्स के, मतलब जो वो लोग पहले मिट्टी के यूटेंसिल्स या फिर जो भी चीज़ें बनाते थे उनके जो हमें ब्रोकन पीसेस मिलते हैं, तो उनको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पॉट शेड्स का नाम दिया था। ठीक है, फिर 139 है, बिरबानपुर इज सिचुएटेड ऑन द मिडिल टेरेस ऑफ द रिवर नर्मदा। तो बिरबानपुर जो है वो कौन से रिवर के पास सिचुएटेड है, तो वो है नर्मदा। ठीक है, फिर 140 है, टेरी साइट्स आर द बेस्ट एविडेंसेस ऑफ अपर पेलियोलिथिक एज। तो जो टेरी साइट्स है ना, ये क्यों फेमस है ऐसा हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत अच्छे एविडेंसेस मिले थे हमें यहाँ से अपर पेलियोलिथिक एज के। ओके, फिर 141 है, माइक्रोलिथिक फ्रॉम टेरी साइट्स वर फर्स्ट रिकवर्ड बाय फूटे। तो जो माइक्रोलिथिक्स मिले थे हमें टेरी साइट से, वो सबसे पहले रिकवर किए गए थे फूटे के द्वारा। ठीक है, सो 142 है, ज्यूनर इज एसोसिएटेड विद विश माइक्रोलिथिक साइट्स इन इंडिया। तो एफ ए ज्यूनर जो हैं, जो कि एक जर्मन पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, वो इंडिया की किस माइक्रोलिथ साइट से एसोसिएटेड हैं, तो वो हैं टेरी साइट से। ओके, फिर 143 है, अहार इज़ अ साइट सिचुएटेड इन राजस्थान। अहार जो साइट है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, तो वो है राजस्थान में। ठीक है, फिर 144 है, ऐश माउंट्स विद नियोलिथिक कल्चर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। जो ऐश माउंट्स हैं नियोलिथिक कल्चर के, वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वो देखने को मिलते हैं नाउ द नियोलिथिक ऐश माउंट्स समटाइम टर्म्ड एज सिंडर ऐश माउंट्स। दे आर मैन मेड लैंडस्केप फीचर्स फाउंड इन सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया चीफली अराउंड बेलेरी एंड दे हैव बीन डेटेड टू मेसोलिथिक, दैट इज़ अराउंड 3000 to 1200 BC। नाउ नेक्स्ट इज 145, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज़ फ्रॉम नियोलिथिक फेज।
फूड प्रोडक्शन का जो फर्स्ट एविडेंस मिला था वो मिला था न्योलिथिक फेज में। फिर नेक्स्ट है 146, चालकोलिथिक पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय यूज ऑफ मेटल एंड स्टोन साइड बाय साइड। चालकोलिथिक पीरियड जो था उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक यूजेस क्या थे, तो मेनली तो वो पीरियड जो था वो मेटल यूज़ के लिए जाना जाता था, पर साथ साथ में स्टोन टूल्स का भी यूज़ किया जाता था। फिर 147 है, विच डज नॉट कैरेक्टराइज नियोलिथिक कल्चर, दैट इज़ मार्केट इकोनमी। नियोलिथिक कल्चर के टाइम किसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो वो है मार्केट इकोनमी। ओके, फिर 148 है, मैन बिकम फूड प्रोड्यूसर इन नियोलिथिक पीरियड। सो मैन जो है वो फूड प्रोड्यूसर यानी एग्रीकल्चर की हेल्प से फूड कब प्रोड्यूस करने लगा था, तो उन्होंने एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन स्टार्ट किया था नियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, फिर 149 है, फूड प्रोडक्शन दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पॉटरी एंड ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ टूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वॉट इज पॉपुलरली कॉल एज न्यूलिथिक रिवोल्यूशन। सो फूड प्रोडक्शन जिसमें प्लांट्स लगाना, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, पॉट्स बनाना, टूल्स की ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग करना, ये सब मेनली किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो ये सब रिलेटेड हैं न्यूलिथिक रिवोल्यूशन से। ओके, फिर 150 है, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टेक्निक डेवलप्स इन न्यूलिथिक फेज, दैट मीन्स ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग टेक्निक्स जो थी वो कब डेवलप हुई थी, तो वो हुई थी न्यूलिथिक फेज में। फिर 151 है, मैन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर इनटू न्यूलिथिक फेज। सो मैन ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कब से स्टार्ट करी थी, सो वो भी न्यूलिथिक फेज में हुई थी, अभी हमने उसको डिस्कस किया है। फिर हमारा नेक्स्ट है 152, मेहगर इज अ न्यूलिथिक साइट। सो मेहगर जो है वो क्या है, तो मेहगर एक न्यूलिथिक साइट है जो कि काची प्लेन्स में है पाकिस्तान के। नियर अबाउट 32,000 आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो यहीं से मिले हैं, इसी साइट से। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। फिर 153 है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम आर्गिसा मगुला विलेज माउंड। सो जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं फूड प्रोडक्शन के वो कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं आर्गिसा मगुला विलेज माउंड से। ठीक है, फिर हमारा 154 है, द मोस्ट फेमस स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन एज इज इन सेल्सबरी प्लेन इंग्लैंड। स्टोन एज का सबसे फेमस स्टोन स्ट्रक्चर कहाँ पर है, तो वो है सेल्सबरी प्लेन में जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, फिर 155 है, फायर बर्न अर्दन पॉट्स इवॉल्व ड्यूरिंग नियोलिथिक फेज। फायर बर्न अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी के पॉट्स बनाने के बाद उनको जब आग में सुखाने लगे थे, तो ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक फेज में। फिर 156 है, कल्टीवेशन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड द न्यू सेडेंट्री लाइफ स्टिमुलेटेड हाउस बिल्डिंग। सो कल्टीवेशन, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन और ज़्यादा सेडेंट्री यानी स्टेबल लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट होने की वजह से मैन ने हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कर दी थी। मतलब कि वो हाउसेस बिल्ड करते थे और वो एक जगह पे स्टेबल हो जाते थे और उनको स्टेबिलिटी में अपने सर्वाइवल के लिए डोमेस्टिकेशन करना पड़ता था, एग्रीकल्चर करना पड़ता था, कल्टीवेशन करना पड़ता था, और हाउस बिल्डिंग करके फिर वो प्रॉपर्टीज़ ऑक्यूपाई और ओन करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, फिर 157 है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंश्योर्ड ड्यूरिंग न्यूलिथिक रिवोल्यूशन रेगुलर मीट सप्लाई। सो जो न्यूलिथिक रिवोल्यूशन में एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया जाने लगा था उसका मेन पर्पस क्या था, तो वो था रेगुलर मीट का सप्लाई। ठीक है, पहले उन्होंने जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की थी उससे बेसिकली एनिमल से वो मीट ही लेते थे। फिर नेक्स्ट है 158, द टर्म प्री हिस्ट्री वॉज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाई टर्नल।
प्री हिस्ट्री जो टर्म है उसको फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था. बेसिकली उन्होंने ये टर्म अपनी फर्स्ट टाइम जो उनकी थ्योरी थी उसमें दिया था, लिखा था, तो वो थे टर्नल. ठीक है, फिर 159 है, अ बोट बिलोंगिंग टू मैग्लामोजियन कल्चर इज़ फाउंड फ्रॉम साइट इन स्कॉटलैंड. सो मैग्लामोजियन कल्चर से बिलोंग करने वाली एक बोट मिली थी आर्कियोलॉजिस्ट को, तो हमें बताना है कि वो कहाँ से मिली थी. सो दैट वॉज फाउंड फ्रॉम द साइट इन स्कॉटलैंड. सो द क्वेश्चन नंबर 160 इज द मेन मेटल्स यूज्ड इन चालकोलिथिक फेज इज कॉपर एंड टिन. चालकोलिथिक फेज में मेनली कौन से मेटल्स यूज किए जाते थे, तो वो थे कॉपर और टिन. फिर क्वेश्चन नंबर 161 है, मैन बिकेम सेडेंट्री ड्यूरिंग न्योलिथिक फेज. मैन जो है वो सेडेंट्री यानी कि स्टेबल लिविंग कब से स्टार्ट करे थे, तो वो करे थे न्योलिथिक फेज में. फिर 162 है, मेगालिथ्स आर मेमोरियल स्टोन ऑफ टोम्ब. सो मेगालिथ्स क्या हैं, तो मेगालिथ्स मेमोरियल स्टोन टोम्ब्स हैं अलग अलग रिलीजियस बिलीव से बिलोंग करने वाले. ये लोगों की डेथ के बाद उनको याद करने के लिए बनाए जाते थे और ये प्राइड का भी सिंबल होते थे. ठीक है, फिर नेक्स्ट है 163, किचन मिडन कल्चर फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग बाल्टिक एंड नॉर्थ ईस्ट कोस्ट. किचन मिडल कल्चर कब ख़त्म हुआ था, ये बाल्टिक और नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के मैग्लामोजियन कल्चर के साथ ख़त्म हुआ था. ये क्वेश्चन सेम है जो हमने पहले डिस्कस किया था, बस वर्ड्स को ट्विस्ट करके वापस से पूछा गया है. फिर क्वेश्चन नंबर 164 है, किचन मिडन कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूज शेल हीप्स. सो किचन मिडल कल्चर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो है बड़े बड़े शेल हीप्स. ठीक है, फिर 165 है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी इंक्लूडेड अंडर चालकोलिथिक कल्चर. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस कल्चर के अंदर इंक्लूड किया जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इंक्लूड किया जा सकता है. सो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं चालकोलिथिक कल्चर में. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 167, चूज द सेट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो. ए रिलेटिव डेटिंग गिव्स ओनली इनडायरेक्ट एस्टिमेट्स. बी इन अ टेरेस स्टेटिग्राफी इट इज ऑफ्टन द टॉप मोस्ट लेयर विच इज कंसिडर्ड. सी इन अ टेरेस स्टेटिग्राफी द लोएस्ट लेयर इज यंगेस्ट टेरेस. डी ऑल ऑफ द अबव. तो ये जो स्टेटमेंट दी हैं इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है. सो ए है, रिलेटिव डेटिंग में सिर्फ इनडायरेक्ट एज एस्टिमेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि एग्जैक्ट एस्टिमेशन हमें एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड से ही होता है. फिर पॉइंट बी है, टेरेस स्टेटिग्राफी में टॉप मोस्ट लेयर को कंसिडर किया है, तो ये भी सही है. फिर थर्ड स्टेटमेंट है, टेरेस स्टेटिग्राफी में जो लोएस्ट लेयर होती है उसको यंगेस्ट टेरेस माना जाता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है. फिर डी है, ऑल द अबव, तो इसका आंसर ऑल द अबव ही होगा क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 168 इज द डिपॉजिट्स कॉज्ड बाय परमानेंट कोर्स ऑफ वाटर फ्लो दैट इज रिवर आर कॉल्ड ए एलुवियल डिपॉजिट, बी फ्लूवियल डिपॉजिट्स, सी मोरेन डिपॉजिट्स, डी बोथ ए एंड बी. सो रिवर के फ्लो की वजह से जो डिपॉजिट्स होते हैं आसपास जो सेडिमेंट्स आते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बोथ एलुवियल एंड फ्लूवियल डिपॉजिट. सो आर आंसर इज डी बोथ ए एंड बी. नाउ 169 इज विला फ्रेंकियन फ्लोरा एंड फौना ऑन लैंड इंक्लूड्स द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ए काउ, बी हॉर्स, सी एलिफेंट, डी ऑल ऑफ द अबव. विला फ्रेंकियन जो फ्लोरा और फौना है यानी प्लांट्स और एनिमल पॉपुलेशन है, उसमें मॉडर्न टाइम्स के मिलने वाले कौन से एनिमल के एंसेस्टर पाए जाते थे, तो ए है काउ, एलिफेंट, हॉर्स, तो इन सबके ही एंसेस्टर मिलते थे उस टाइम पे. सो आर आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव.
सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर सीरीज़। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट योर रिव्यूज़। विल बी हेयर विद मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल पेपर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सुपर सून। अप टू देन स्टे ट्यून। थैंक यू।